समाचार भिजवा दिया। घर वाले तो शुरू दिन से ही परेशान थे। पाता बलाते ही गुरुदेव के नाना श्री किरोड़ी मल जी और चाचा माँ शमताज जी फिरोजपुर पहुँचे और जबरदस्ती घर ले आए। चलते समय बहुसूत्री श्री नाथूलाल जी चार ने मुट्टी बंद करके पक्के रहने की प्रेरणा दी। गुरुदेव उनके उत्संकेत और आदेश को समझ गए। जिस समय घर पहुँचे तो सारी गली आदमी औरतों से भरी हुई थी, तया औरतें रो रही थी। गुरुदेव ने पूछा, क्या हो गया, किसे रो रही हो? औरतें बोली, रोना किसे था, तुझे रो रही है। तब गुरुदेव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। हर कोई उनको हतोत्साहित करने की कोशिश करता। घर की धोबिन, नाइन, जमादारनी तक आकर समझाती। एक दिन गुरुदेव ने पूछ ही लिया कि मेरे दीक्षा लेने में तुम्हें क्या दिक्कत है। वे बोली कि तेरी शादी होगी तो हमें भी कुछ न कुछ मिलेगा। गुरुदेव रहस्य समझ गए। मेहतरानी को एक चांदी का सिक्का देकर संतुष्ट किया। फिर वह गुरुदेव के लिए दीक्षा की दुआएं मांगती चली गई। दरिया को अपनी मोस की तुगयानियों से काम करती, किसी की पार हो या दरमिया रहे। गुरुदेव को ननिहाल भी ले जाया गया, पर वहां भी वैराग्य भावना दब न सकी। फिर रोहतक आ गए। केवल एक ही काम रह गया, अधिक से अधिक सामायिकें। एक दिन इकट्ठी ही 17 सामायिकों का पच्चखान ले लिया। लगभग 14 घंटे एक ही आसन से बैठकर आत्मलीन होने का संकल्प लिया। मन में चिंतन था कि कब दे की बाधाएं दूर होंगी। सामायिक में ही कुछ अद्भुत दिखाई दिया, जिसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पा कि इसे समाधि कहें या स्वप्न दर्शन। गुरुदेव को दिवंगत माता के दर्शन हुए। वह गुरुदेव को सशरीर उस स्वर्ग में ले गई। एक स्वर्णिम शिला पर बैठाकर दिव्य दिखाया, बड़ा स्नेह दिया तथा एक आशीर्वाद भी की, अब तू चला जा, तेरा काम बन जाएगा। कोई दिक कभी आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरी सहायता कसम, वैसे भी मैं तेरे ऊपर अपनी छाया रखूंगी। फिर नी छोड़ गई। गुरुदेव एकदम चीखे, बात समझ में आ और दृढ़ निश्चय कर लिया। अपने निश्चय को एक फ में लिखा। 15 पृष्ठ का वह पत्र अपने आप ज्ञान वैराग्य प्रधान द्वादश भावनाओं का एक दस्तावेज था। घर के बच्चों को एक एक रुपया दिया। पिताजी की फाइल में वह पत्र रखकर चल दिए पटियाला की ओर। वहां पहुंचकर विशेष शांति मिली। घर वाले भी वहां पहुंचे, पर इस बार बाबा जी मने मजबूत स्टैंड लिया कि तुम इसे इतना तम क्यों कर रहे हो, मेरे भी तो इस पर अधिकार है, ये यहीं रहेगा, वापस नहीं जाएगा। आखिर घर वालों को झुकना पड़ा, वापस लौ गए। घर जाकर आज्ञा पत्र भेज दिया। इस प्रकार प्रारंभ हो गया गुरुदेव के जीवन का नूतन अध्याय, बड़ा मनोरम, बड़ा मनोहर। द्वितीय प्रहर। पटियाला आने पर गुरुदेव चिंतामुक्त हो गए। वर्षों का नहीं, चुनो युगों और भव भवों का भार उतरने लगा। योग्य शिष्य की प्राप्ति से वाचस्पति गुरुदेव एवं बाबा जी मजी तो प्रमुदित थे ही, सर्वाधिक प्रसन्नता थी बहुसूत्री सर्तात्मा श्री नाचूलाल जी मको। उन्होंने ही गुरुदेव को संयमानुकूल प्रशिक्षण देने का दायित्व संभाला। एकदा महावीर मिशन, अगस्त 1666। 44। उन्होंने पूछा, सुदर्शन जी, आपका दीक्षा लेने का प्रमुख कारण क्या है? गुरुदेव ने सरलता से कहा, बाबा के कारण दीक्षा ले रहा हूँ। विचारों की दिशा को मां देते हुए बहुसूत्री जी मां फरमाने लगे कि नहीं, मोह कारण दीक्षा नहीं लेनी, ये तो मात्र आपके भवसा तरने में निमित्त मात्र हैं। आप सततम इस दोहे का। गुरुदेव श्री 1008 श्री सुदर्शन मुनि विशेषण।